हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इस स्टॉक के बारे में। 52 वीक का हाई है 1675, 52 वीक का लो है 1295। क्वांटिटी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुई थी 343,809। डिलीवरी क्वान्टिटी 238,195। डिलीवरी परसेंटेज 69.29%। कुछ न्यूज़ हैं इस स्टॉक के बारे में। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अनाउंसेस कैशलेस ओपीडी सर्विसेज फॉर कस्टमर्स थ्रू एमपैड पे, यानी कि इन्होंने अपने ओपीडी कस्टमर्स के लिए एमपैड पे एक ऐप है उसके थ्रू कैशलेस सर्विस स्टार्ट की है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। न्यूज़ को आप liveMint.com वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। और ये है दूसरी न्यूज़, इफ स्टार्स अलाइन दिस आईसीआईसीआई ग्रुप स्टॉक में गिव यू 75% अपसाइड इन ए ईयर। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। मॉर्गन स्टैनले इंडिया के जो एनालिस्ट हैं मिस्टर सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने अपने डिटेल एनालिसिस में बताया है, अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ और हाई डिमांड ऑफ इंश्योरेंस ये अच्छा रहा तो ये स्टॉक आपको एक साल के अंदर 75% के ग्रोथ करंट मार्केट प्राइस से दिखा सकता है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। इस न्यूज़ को आप economictimes.indiatimes.com वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। मार्केट कैप है 70,645 करोड़ की, डेट है 255 करोड़ का, प्लेज परसेंटेज 0। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे प्रमोटर्स की, 51.88 से 48.08 ये कम हुई है। FIIs की 29.08 से 27.73 ये भी कम हुई है। DIIs की 11.96 से 10.54 ये नॉमिनल कम है। पब्लिक यानी रिटेलर 7.08 से 13.65 ये बढ़ी है। ये है इस स्टॉक का वनडे का चार्ट। वनडे के चार्ट में RSI है 42। ये है वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में भी RSI है 42। और ये है वन आर का चार्ट, वन आर के चार्ट में RSI 47। ओवरऑल तीनों चार्ट में RSI बुलिश है और हर चार्ट में इसने एक पैटर्न बनाया हुआ है अपना। ये वन आर के चार्ट में देख लीजिए, वन वीक के चार्ट में देख लीजिए और वन डे के चार्ट में देख लीजिए। ये स्टॉक हाई लगाता है 1675 का, उसके बाद में 1405 के आसपास में लो लगा देता है। तो हर बार ये लो 1405 के आसपास ही लगा रहा है। प्रीवियस हिस्ट्री आप इसकी देख सकते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो जो लोग ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टेड हैं आप धीरे धीरे करंट मार्केट प्राइस पे भी इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा नीचे मिलता है और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले जो लोग इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री देख रहे हैं या स्विंग ट्रेड के लिए इस स्टॉक को देख रहे हैं, थोड़ा नीचे मिले आप बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के टारगेट इसके होंगे 1508, 1540 और 1571 के आसपास में। लेकिन जैसी न्यूज़ है, एनालिस्ट की भी न्यूज़ है, ये स्टॉक आपको वन ईयर में अच्छा रिटर्न दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक है। इंश्योरेंस सेक्टर में अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कई बार बताया है, इंश्योरेंस सेक्टर के जो भी अच्छे स्टॉक हैं आप उनको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए, हर डिप पे बाई कीजिए, आपको अच्छा रिटर्न दे देंगे। सो फ्रेंड्स, आप इसी स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं आपको बाय करना है या नहीं करना है। मेरी वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मेरी वीडियो किसी भी स्टॉक के बाय या सेल की रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी इस स्टॉक की बेस्ट एनालिसिस। थैंक यू सो मच।